गुजरात में राम मंदिर पर हमला, मुस्लिम भीड़ ने हिंदू को पीटा, पुलिस ने 11 पर की FIR दर्ज, अब होगा तगड़ा एक्शन। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। जहाँ गुजरात के भरूच से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक हिंदू दुकानदार को राम मंदिर के नीचे बेरहमी से पीटा गया। साथ ही साथ दुकानदार को बचाने जब गांव के सरपंच और लोग आए तो उन्हें भी मारने की कोशिश हुई। इतना ही नहीं, दुकान में आग भी लगाई गई। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। गुजरात के भरूच से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां के वागरा तालुका के ओछन गांव में मुस्लिम भीड़ ने किशन कुमार नाम के हिंदू व्यापारी और उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला किया। किशन भगवान राम के मंदिर के नीचे एक किराने की दुकान चलाते हैं। मुस्लिम भीड़ ने हमले के दौरान गांव के सरपंच के साथ साथ उन लोगों को भी मारा जो किशन को बचाने आगे आए। हमले की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दो नाबालिग के साथ साथ 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके अपनी जांच शुरू कर दी। ये तो शॉर्टकट में हमने आपको खबर बताई, लेकिन अब विस्तार से पूरा मामला जानते हैं। मुस्लिम भीड़ ने किया हमला, मंदिर के नीचे हिंदू को पीटा। दरअसल ये घटना 21 अप्रैल 2024 की है। उस दिन रात के 10:30 पर आरोपी अब्दुल अहमद पटेल के दो बेटे किशन की दुकान से कुछ सामान लेने आए थे। इस दौरान दोनों किसी बात पर गाली गलौज करते हुए बात कर रहे थे। किशन ने दोनों की अभद्र भाषा को सुना तो उन्होंने कहा कि वो सामान लेकर जाएं, दुकान के बाहर महिलाएं खड़ी हैं, वो डर या परेशान हो सकती है। इसी बात पर दोनों भाई भड़क गए और इतने भड़के कि दोनों फिर व्यापारी और उनकी पत्नी के साथ गाली गलौज करने लगे। वहीं देखते देखते विवाद बढ़ने लगा। झगड़ा बढ़ा तो मारपीट की आवाज़ सुनकर जावेद, हुसैन, मुस्ताक, रियाज, अब्दुल समेत 15 से 20 लोगों की भीड़ आ गई। भीड़ ने बिन कुछ सोचे समझे किशन को घेर कर मारना पीटना शुरू कर दिया। वहीं आपको बता दें कि FIR में ये भी कहा गया है कि भीड़ ने मंदिर के नीचे बनी किराने की दुकान पर पथराव भी किया और उस दुकान को जलाने की भी कोशिश की। वहीं इस पूरे मामले में पीड़ित किशन का भी बयान सामने आया। घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित किशन ने बताया कि अब्दुल पटेल के दोनों बच्चे पहले कुछ समय से मेरी दुकान में जबरन डिब्बा खोलकर कुछ भी खाने लगते थे। पैसे मांगता था तो कहते थे कि अपने गांव भाग जा। कल वो मेरी दुकान पर आए और खड़े थे। हंगामा शुरू हुआ तो अब्दुल अहमद, रियाज, फरोजा, सबीना, तस्लीमा, सईद, मुस्ताक, हुफैस और जावेद सहित 15 से 20 का समूह आया। उन लोगों ने मुझे घेरा और पीटना शुरू कर दिया। वहीं पीड़ित ने आगे बताया कि झगड़े के बीच मेरी पत्नी मुझे बचाने आई तो उसे भी पीटा गया। आसपास के लोगों ने बीच बचाव करके मुझे बचाया, पर वो लोगों तो चिल्ला रहे थे इसे मार डालो। मेरे पड़ोसी ने मुझसे कहा कि किशन भाई तुम मेरे घर आ जाओ, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। मैं उनके घर जाता, इस बीच मेरे गांव में सरपंच समेत सब लोग आ गए। उस भीड़ ने तो उन पर भी हमला कर दिया। मैं पड़ोसी के घर से बाहर निकला तो देखा मेरी दुकान में आग लगाने की कोशिश की गई थी। साथ ही पीड़ित ने बताया कि इस बीच पुलिस को सूचना मिलते ही उनकी एक टीम फौरन मौके पर पहुंची और दुकान में लगी आग को बुझाया गया। वहीं किशन ने बताया कि अगर उसकी पड़ोसी उसे नहीं छुपाती तो वो मार दिया गया होता। गौरतलब है कि इस घटना में हिंदू व्यापारी के अलावा गांव के सरपंच धर्मेंद्र सिंह राणा पर भी हमला किया गया था। उन्होंने बताया कि गांव में एक शादी थी और वो उसमें शामिल होने गए थे। इसी बीच किसी ने आकर उन्हें बताया कि राम जी के मंदिर के नीचे किराने की दुकान चलाने वाले किशन को मुस्लिम भीड़ मार रही है, उसे बचा लो नहीं तो सब उसे मार डालेंगे। सरपंच कहते हैं कि इतना सुनने के बाद वो और कुछ अन्य लोग किशन को बचाने गए, मगर मामला शांत होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया। मुस्लिम भीड़ ने सब पर हमला कर दिया, उनके कपड़े फाड़ दिए। सरपंच कहते हैं कि मेरी पीठ और गर्दन में चोट आई है। हमलावर भीड़ में महिलाएं भी थी, वो भी इतनी उग्र थी कि सबके सब किशन को मारने की बात कर रहे थे। वहीं मामले में सरपंच ने बताया कि भीड़ जिस तरह से किशन को मार रही थी उसे देखकर लग रहा था कि उसे मार दिया होगा। अगर हमने बीच में पड़ने का जोखिम नहीं उठाया होता तो शायद वो ऐसा कर देते। उन्होंने हम पर हमला बोला। जहां हमला हुआ वो पूरा इलाका हिंदुओं का है, वहां हमारा रामजी मंदिर है। भीड़ कह रही थी कि इसे चाकू मारो, लेकिन पुलिस ने समय पर आकर मामले को संभाला और कार्रवाई की। वहीं आपको बता दें कि
इस घटना के संबंध में भरूच जिले की वागरा पुलिस ने अब्दुल अहमद पटेल और उनके दो बच्चों रियाज मुश्ताक पटेल, फरोजा मुश्ताक पटेल, सबीना मुश्ताक पटेल, तस्लीमा मुश्ताक पटेल, तसीमा अब्दुल पटेल, सईद अहमद पटेल को गिरफ्तार किया है। मुश्ताक अहमद पटेल, हुसैन जाकिर पटेल और जावेद एडम पटेल सहित 11 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 147, 149, 323, 337, 436, 504 और 506(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हिंसा की आग में जले राज्य, कट्टरपंथियों ने दिखाया रंग। वहीं आपको बता दें कि आए दिन हिंदुओं पर हमले की खबरें आती रहती हैं। देखा जाए तो ये हमले की खबरें तब ज्यादा बढ़ जाती हैं जब हिंदुओं का कोई त्योहार हो। बीते दिन रामनवमी के मौके पर भी कई राज्यों से हिंसा की खबरें सामने आई थी, जिसमें भी कट्टरपंथियों की बौखलाहट देखने को मिली। वैसे देखा जाए तो ये लोग हर हिंदू त्योहार पर इस तरह की हरकत करते हैं और हिंसा फैलाने की भरपूर कोशिश करते हैं, जिससे कि इनका डर लोगों में बना रहे। लेकिन वक्त के साथ साथ सबका इलाज हो रहा है। देश में लगातार ऐसे लोगों को उनके किए का फल मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अब पहले जैसी सरकारें और कानून नहीं रहा। अब की सरकार अपराधी को घर से उठाकर ठिकाने लगाती है। वहीं रामनवमी के अवसर पर भारत के अलग अलग हिस्सों में शोभा यात्रा पर हमले की खबरें सामने आई, जिसमें पश्चिम बंगाल प्रमुख रहा सबसे आगे रहा, जहां सबसे भीषण हमला बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ, जहां इस्लामी भीड़ ने घर की छतों से पत्थर बरसाए और देसी बम भी फेंके। मुर्शिदाबाद में हुए इस हमले में 20 से अधिक लोगों के घायल होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सियासत भी गर्मा गई थी। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गए थे, दल एक दूसरे पर हिंसा के आरोप लगा रहे थे। ऐसी ही घटना झारखंड से भी सामने आई, जहां झारखंड के बोकारो में बुधवार 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा को मुस्लिम भीड़ ने मस्जिद के सामने रोक लिया। इसके बाद जुलूस पर पथराव भी किए जाने की सूचना मिली थी। इस पथराव में कई हिंदू श्रद्धालु घायल हो गए, जिसके चलते इस इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। यहां तक कि धारा 144 भी लागू करनी पड़ी। ये भी सामने आया कि इस्लामी भीड़ ने यहां कुछ गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया था। इस पथराव में 12 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी मिली। वहीं एक खबर कांग्रेस सत्ता वाले कर्नाटक से भी सामने आई, जहां राजधानी बेंगलुरु में 3 हिंदुओं को जय श्री राम के नारे लगाने से रोका गया और उनकी पिटाई की गई। मुस्लिम युवकों ने उनके साथ मारपीट की और उनसे अल्लाहू अकबर के नारे लगवाए। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल हुआ था। ये तो हमने सिर्फ आपको कुछ राज्यों की खबरें बताई। ऐसे ही मामले देश के कई राज्यों से सामने आए, जहां श्री राम की गूंज से कट्टरपंथियों के सीने में आग लगी और उन्होंने अपनी गंदी हरकत को अंजाम दिया, जहां पूरा देश रामनवमी का त्यौहार धूमधाम से मना रहा था। ये पर्व अयोध्या वासियों के लिए भी खास रहा। क्यों? क्योंकि 500 साल बाद अयोध्या वासियों और देश के लिए खास मौका था। इस खास मौके पर अयोध्या में रामनवमी के मौके पर रामलला का सूर्य की किरणों से तिलक किया गया। इस दृश्य ने हर किसी का मन मोह लिया था। लेकिन रामनवमी में जहां पूरा देश प्रभु श्री राम की धुन में मगन रहा, तो ये बात कुछ लोगों को सुई की तरह चुभी और इसी के चलते उन लोगों ने अपना असली रंग दिखाया। और आए दिन ऐसी ही खबरें आती रहती है। आज यहां हिंदू पर हमला किया तो आज वहां हिंदू पर हमला किया। देश में हिंदुओं को ही निशाना बनाया जाता है और फिर अगर कट्टरपंथियों पर एक्शन होता है, कार्रवाई होती है, तो ये अपने आप को ही बेकसूर दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।